जनाब इलिया सेठ साहब बागबान सदर मिल्ली फाउंडेशन की जानिब से आने वाले संडे को 16 तारीख को नेशनल ग्राउंड पर ठीक शाम में 7 बजे अजीमुशान फंक्शन रखा गया है, प्रोग्राम रखा गया है। बानवान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कौमी एकजती का पैगाम दिया जाएगा। इसमें तमाम धर्म के धर्मगुरु संत स्वामी और हिंदुस्तान के मशहूर मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब तशरीफ़ लाएंगे। उसी के साथ साथ मशहूर नात खां तारिक़ जमील साहब खासमी साहब तशरीफ़ लाएंगे। और इसमें तमाम गुलबर्गे के हर सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर्स इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। मैं तमाम हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई तमाम सेकुलर भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप इस प्रोग्राम में आकर जो पूरे हिंदुस्तान का जो माहौल ख़राब होने का काम चल रहा है, जो लोग एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं, हम ऐसे प्रोग्राम के ज़रिए मिठास बांटने का काम करेंगे, हिंदुस्तान में भाईचारगी का पैगाम फैलाएंगे। आज वक्त की ज़रूरत है, हर तरफ बांटने का काम चल रहा है, डिवाइड करने का काम चल रहा है। उसी बीच जनाब इलिया सेठ साहब एक मुहिम लेकर निकले हैं। इससे पहले भी ईद के बाद ईद मिलाद का प्रोग्राम महबस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े पैमाने पे किया गया और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट रहा और काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। उसी तरीके से ये नेशनल ग्राउंड का जो प्रोग्राम संडे के दिन होने वाला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे कई ज़्यादा इस फंक्शन को कामयाबी मिलेगी। ऐसे प्रोग्राम करने के लिए ऐसे प्रोग्राम करना वक्त की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे लोग पावर में आने के लिए हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे एक शक एक मुहिम लेकर निकलता है, इन लोगों को जोड़ता है। ऐसे प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में होने चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये जो मुहिम है इसे जोड़ते हुए ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। मैं आखिरी में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो कि अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब करे और तमाम लोगों के दिलों में मोहब्बत कायम रखे। शुक्रिया। 16 तारीख इतवार 7 बजे एक अजीम व शान जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में एक जहती का एक पैगाम देने के लिए इलियास सेठ साहब की जानिब से एक बहुत ही अजीम व शान प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े दानिश्वर उलमा इकराम और स्वामी संत और क्रिश्चियनिटी के फादर जो रहते हैं वो फादर भी और हिंदू मुस्लिम सभी लोग वहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। और मैं तमाम हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई इन सभी से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप सभी वहाँ पर तशरीफ़ लाएं और हिंदू मुस्लिम एकता का ये पैगाम हम हिंदुस्तान में और दुनिया भर में ये पहुँचाएँ। 16 अक्टूबर बरोज़ एतवार शाम 7 बजे हफ्तुमत के तारीख़ी मैदान में एक अजीमुशान जलसायाम मुनक्किद है। ये जलसे का उन्वान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कौमी एकजहती को का पयाम देने के लिए हिंदुस्तान भर के कई उलमा इकराम कई दानिश्वर हजरात इस जलसे को मुखातिब करेंगे और ख़ास तौर पे शहर के जितने भी हमारे साधु संत लोग हैं और अलग अलग कम्युनिटी के तमाम जिम्मेदार लोग इंशाल्लाह इस जलसे में मेहमान खुसूसी के हिस्से से शरीक रहेंगे और हम सबको मुखातिब करेंगे। मैं तमाम हम वतन भाइयों से गुजारिश करता हूं कि ठीक 7 बजे 16 अक्टूबर को तारीख़ी हफ्तगुम्मत के मैदान पर तशरीफ़ लाएँ, अपनी हिंदुस्तानी की को मोहब्बत को जाहिर करने का एक सुनहरी मौका है, क्योंकि जो हमारी हिंदू मुस्लिम जो एकता है हिंदुस्तान भर में जो बरसों चली आ रही है, इसको ले इसके मद्देनज़र हमारे और आपके हरदिल अज़ीज़ कायद आली जनाब इलिया सेठ बागवान साहब सदर मिल्ली फाउंडेशन की जानिब से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये काबिले मैं मुबारक है
क्योंकि ऐसे प्रोग्राम, ऐसे तो सियासी गैर सियासी मजहबी प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौमी यकजहती के उनवान पर जो आज हिंदुस्तान भर की जो आज हालत है, जो माहौल है, जो आपस में एक दूसरे के दूरी बनाए हुए लोग हैं, तो तमाम लोगों को जोड़ने का और तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का और हमारी जो गंगा जमुना तहजीब है इसको हम आपस में इसको मजबूत करने का और आपस में भाई भाई और मोहब्बत से खुलूस के साथ रहते हुए हमारे जो हिंदुस्तान है, हमारा जो देश है, इसको पूरी दुनिया में एक सुपर पावर मुल्क को तौर पर लाने के लिए एलिया सेठ साहब ने जो पहल की है, मैं समझता हूँ ये पहल गली गली शहर शहर पूरे रियासतों बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में एलिया सेठ के तर्ज पर ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की हम तमाम लोगों को मैं अपील करता हूं कि आपसी इख्तलाफात को छोड़कर आज हिंदुस्तान को आज हमारे जमहूरियत की रक्षा के लिए हम तमाम लोग फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए ऐसे कौमी यकजहती प्रोग्राम को कामयाब करें और इसमें ज़रूर बशरूर शिरकत करें। मैं फिर एक बार एलिया सेठ को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं तमाम लोगों से फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि आप ज़रूर बशरूर संडे के दिन 7 बजे इंशाल्लाह ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे और इस प्रोग्राम को और एलिया सेठ की जो पहल है इसको ज़रूर बशरूर आप कामयाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। This video present by Raidan Multi Cuisine Restaurant, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga.